आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक में काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इससे क्या होगा, वीडियो में जो भी आइडियो होगा वो आपको बाहर आ जाएंगे। इसके बाद वीडियो को आगे की तरफ लेकर आना है, यहाँ पे 3 से 4 सेकेंड तक रहने देना है। तो मैं यहाँ पे 4.0 तक रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। इसके बाद मीडिया पे आना है और यहाँ पे आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है और ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको स्पीड स्लो करना है तो सिंपल स्पीड कंट्रोल पर आएंगे, यहाँ पे आपको 0.5 कर देना है और वीडियो को यहाँ पे 4 से 5 सेकेंड तक आपको रहने देना है। वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे और स्पीड टू प्ले हिट कर देंगे और इस पार्ट को आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। तो इसमें सेकेंड वीडियो पे आपको 3 से 4 सेकेंड तक यहाँ पर भी आपको सीन चाहिए, तो बस इतना सीन मैं रहने देता हूँ। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको स्पीड टू प्ले हिट कर देना है या फिर ट्रिम टू राइट कर देना है। तो मैं यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वीडियो कुछ इस तरह से आएगा, सेकेंड कुछ इस तरह से, थर्ड कुछ इस तरह से, फोर्थ नंबर में कुछ इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे भी आपको ज़्यादा सेकेंड का नहीं चाहिए, 1 से 2 सेकेंड चाहिए। सिंपल आपको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको कुछ इस तरह से ट्रिम टू राइट कर देना है। फिर से आपको मीडिया पर आना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो आपने वीडियो डाउनलोड किए थे उस वीडियो को फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है और लास्ट का सीन यहाँ पर कुछ 1 से 2 सेकेंड तक का आपका सही है। सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद 23.4 पर इसके सीन चाहिए हमें, स्टार्ट है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे और कुछ इस तरह से लास्ट का सीन आपको ले लेना है और एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। इसका लास्ट का सीन कुछ चाहिए आपको तो लास्ट का सीन भी आप वीडियो लगा सकते हैं। लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है, वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लिफ्ट कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, स्पीड कंट्रोल पे आएंगे और 0.5 आपको कर देना है। तो आप देख सकते हैं एक बार साउंड भी आपको मैच हो चुका है, तो आपका वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको ऐड करना है। सबसे पहले इस आइडियो पर क्लिक करेंगे और इसे आपको रिमूव कर देना है और इस वीडियो में जितने भी ओरिजिनल साउंड है, ओरिजिनल साउंड को आपको सबसे पहले म्यूट कर देना है। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे है, वीडियो को सेलेक्ट करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देना है। वीडियो पर क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। तो आपको देख सकते हैं साउंड भी यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन इफेक्ट देना है। तो सिंपल आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है एक्सीलेशन का, एक्सीलेशन पर क्लिक करेंगे, स्पीड इन या फिर स्पीड आउट दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पीड आउट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपका वीडियो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद फिर से सेकेंड वीडियो लेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से हमें आना है एक्सीलेशन पे और यहाँ पे मैंने स्पीड आउट सेलेक्ट किया था तो स्पीड इन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अपने हिसाब से यहाँ पे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं फिर से एक्सीलेशन पे आता हूँ, यहाँ पे स्पीड डाउन या फिर स्पीड अप भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं स्पीड डाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड कर देना है। तो मैं फिर से यहाँ पर स्पीड इन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा साउंड जो भी है, एक्स्ट्रा साउंड को आपको ट्रिम टू राइट कर देना है। तो आपका यहाँ पे साउंड मैच हो चुका है और यहाँ पे ट्रांजेक्शन इफेक्ट ऐड हो चुका है। तो अब यहाँ पे करना क्या है, ट्रांजेक्शन इफेक्ट, ट्रांजेक्शन साउंड आपको ऐड करना है। तो वीडियो पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आएंगे, लेयर पे आना है, मीडिया पे आने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और साउंड लिंक दे रखा हूँ, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट आइडियो कर देंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। आपको इस साउंड में से जो भी साउंड चाहिए, आपको बहुत सारे इसमें साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आपको 1 से 2 बार वीडियो को प्ले कर देख लेना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को प्ले कर लेता हूँ। तो
तो आप देख सकते हैं हमारा एक साउंड जो है यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन लग रहा है वीडियो। इसके बाद ऑडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लिफ्ट कर देंगे। इस पर आपको इस पर क्लिक करके रखना है, कुछ इस तरह से आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। इस पर क्लिक करेंगे और इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 1 से 2 सेकेंड तक चाहिए, इसके बाद ट्रिम टूल राइट कर देना है। तो यहाँ पर साउंड आपको मैच हो चुका है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, फिर से हमें 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट ले लेंगे। इस पर क्लिक करना है आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पर एडजस्ट कर देना है, इसको कॉपी करना है, डुप्लीकेट लेना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। फिर से आपको इसे कॉपी करना है, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और इसको आपको फिर से इसे प्रेस करके रखना है। आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लेकर आ जाना है। फिर से इस पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट पे ले लेंगे। इस पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। कोई अगर एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन इफेक्ट है कुछ इस तरह से हल्का कम बेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। तो हमारा वीडियो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और आपका वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है।